उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। भाजपा नेताओं ने इसके लिए धामी का आभार माना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से समान नागरिक संहिता बिल पास किए जाने की खुशी में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों ने आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर लोगों के लिए समान नागरिक संहिता कानून लाया गया है। इसके साथ विधानसभा में आंदोलनकारियों का भी बिल सर्वसम्मति से पास किया गया। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस कानून से महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा, साथ ही महिलाओं को किसी कुप्रथा या रीति रिवाजों के कारण प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा। इस समान नागरिक संहिता को बनाने के लिए 12 फरवरी 2022 को संकल्प लिया गया था। बहुमत है हमारी सरकार का और इस पर पिछले लगभग दो ढाई साल से कवायद चल रही थी। जनता में जाकर यूजीसी कमेटी ने जनता के विचार लिए और उसके आधार पर ये पूरा बिल जो है इसका निर्माण हुआ और ये समान ये जो है पहला राज्य बन गया जिसने कि आज अपने यहाँ यूजीसी जो है लागू करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखा और ये आज पास हो जाएगा, रात तक पास हो जाएगा। तो मैं अपनी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रदेश के नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से ये इस पर काम किया और जिस तरीके से अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं रहा और उन्होंने कहा था कि हम जो आने वाला लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो यूसीसी बिल पेश कर देंगे वो विधानसभा में पेश हो गया और उस पर बहुमत से मोहर भी लगी गई है, उस पर जो है वो आज जो है पास हो जाएगा। तो मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज ये काम किया। उत्तराखंड में कानून न बनने के कारण मनमानी होती है। आज महिलाएं उत्तराखंड में जो भाई और बहन के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं अलगाव संपत्ति को लेकर आता था, वो आज बिल्कुल निश्चिंत हो गया है कि महिला का भी उतना ही अधिकार जो है संपत्ति में होगा जितना कि हमारे भाइयों का अधिकार होगा। इसी तरह शादी के बाद अभी यह कहा कि पहले रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था, अब ये कि 6 माह के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अगर और इसके बाद ही वो आपको जो है पूरा आगे का कार्य होगा। पति पत्नी का विशेष तौर से पति पत्नी को वही सब जो है तलाक का अधिकार दिया गया कि यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर ही किसी भी तलाक को तलाक तभी मिलेगा और एक पत्नी के रहते बहु विवाह नहीं कर पाएंगे, आपसी समझौते से पूरा कानून के दायरे में रहकर वो सब काम कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें जो वास्तव में सामान नागरिक संहिता जो ये शब्द है उसको शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन हम देंगे ध्यान सामान नागरिक संहिता यानी कि सभी को समान एक पल पर लेकर एक साथ लेकर चलने की ये प्रक्रिया। हमी जी को ये बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गर्व का विषय है ये, हमारा यहाँ उत्तराखंड देश का पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहाँ ये समान नागरिकता कानून पास होने वाला है और धन्यवाद देना चाहेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने ये कानून पेश करा है और इस पर गहन चर्चा चल रही है और ये जल्द पास हो जाएगा। इसी खुशी में भारतीय जनता पार्टी काशीपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने आज महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद किया, आतिशबाजी करी और स्थान वितरण कर एक दूसरे का मुंह मिला। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।